हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। मंत्री विजय साई जी ने हमारे माननीय विधायक जो कि जनप्रतिनिधि हैं और निर्दलीय विधायक हैं उनकी उनके लोकप्रियता का अंदाज इस बात से होना चाहिए कि बिना किसी पार्टी के बैनर तले उन्होंने अपने आप को साबित किया है और बुरहानपुर से विधायक बने हैं। और माननीय सेरा भैया के बारे में उन्होंने गलत शब्दों की टिप्पणी की है कि सेरा भैया ने काम क्या किया, ऐसा उनका कहना है। उस नाम के सेरा हैं तो मैं कहना चाहता हूँ पहले वो अपने आईने में अपने आप को देखें कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है। हमारे सेरा भैया ने ना सिर्फ राष्ट्रीय समाज बल्कि पूरे समाज को लेकर चले हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणी की है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ माननीय विजय साई जी को कि राष्ट्रीय समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, ये तो हमारे माननीय सेरा भैया है, किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई ऐसी हमारे आदि टिप्पणी की गई तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। और यदि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। इस तरह का बयान दिया था उन्होंने बयान ये दिया था कि सेरा भैया अपने आप को सेरा भैया कहलाते हैं लेकिन वो चूहा हैं और चूहे की भांति बोले मुझे इस प्रकार चूहा बिलों खेतों में घुस के मतलब खेती खराब कर देता, इस प्रकार की वो टिप्पणी की थी कि किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको मंत्री बनने के लिए कहते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री बनने की चाह नहीं है क्योंकि यदि उनकी दम पर ही कांग्रेस की सरकार टिकी हुई है, यदि सेरा भैया नहीं होती सरकार अभी तक बनती भी नहीं है तो उनका मतलब मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला है कि धरना प्रदर्शन को कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, हम लोग तो कानून के दायरे में देख के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन विरोध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई भी करते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी थी तो विजय साई जी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने इस प्रकार गलत टिप्पणी की, तो उसको यदि वो लोग कार्रवाई करते, कानून व्यवस्था कार्रवाई करते तो हम लोग विरोध नहीं करते। यहाँ का विधायक तो बताते क्या नाम है, सेरा। अरे सेरा है तो सामने आओ, किसान की लड़ाई लड़ो, चूहे बन के क्यों बैठे हो, कौन से बिल में घुसा बैठा सेरा, समझ में नहीं आता। और भैया केले के अंदर अगर चूहा घुस जाए तो साफ हो जाएगा, मदद नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। अरे किसान के बेटे हो और नाम तुम्हारा शेरा है तो छोड़ो सरकार का साथ और आओ किसान के साथ कंधे से कंधा लड़ा दे। मंत्री बना दो, मंत्री बना दो रात दिन। क्या दीदी क्या मालूम क्या कहते जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ माननीय विजय साई जी को कि राष्ट्रीय समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, ये तो हमारे माननीय सेरा भैया है, किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई ऐसी हमारे आदि टिप्पणी की गई तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। और यदि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो।